भारतीय सेना के लिए फिरोजाबाद में एक नई तकनीकी से ड्रोन तैयार किया गया है। जी हाँ, फिरोजाबाद हजरतपुर पर आयुध उपस्कर निर्माणी द्वारा ऐसा ड्रोन तैयार किया गया है जो सैनिकों के लिए एयर एम्बुलेंस का काम करेगा। वहीं इसकी क्षमता 10 से 15 किलोमीटर तक वजन ढोने की है और इसे सेना के लिए प्रयोग किया जाएगा। वहीं जनरल मैनेजर की माने तो इस ड्रोन का इस्तेमाल सेना में पहाड़ी इलाकों व जंगली इलाकों में आसानी से किया जा सकेगा। हर वेदर में यह ड्रोन उड़ने में सक्षम है। वहीं इस ड्रोन को तैयार करने में 65 लाख रुपए का खर्च आया है। आयुध निर्माणी हजरतपुर काफ़ी समय से सप्लाई ड्रॉप पैराशूट्स बना रहा था, पर आजकल रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन बॉर्डर तक होने के कारण सप्लाई ड्रॉप की ज़रूरत अब नहीं है इंडियन आर्मी को। तो इंडियन आर्मी ने रिक्वेस्ट किया था निर्माणी से कि आप हमारे लिए लॉजिस्टिक ड्रोन्स बनाएं, क्योंकि पहाड़ियों पे और दुर्गम क्षेत्रों में सामान अभी भी जो है रोड्स कई जगह नहीं हैं जहां हमको एक्यूरेट पोस्ट पे सामान नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की और सर्वेस किए और हमको पता लगा कि वाकई में इवन आर्मी के म्यूल्स भी अब जो है डिसकंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो लॉजिस्टिक ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गई थी। हम लोग पहले से ही नेविगेशन सिस्टम बनाते थे, एवियोनिक्स में ये निर्माणी कार्य प्रगति में थी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा बहुत स्ट्रांग है और हमने काफ़ी किया हुआ है। तो हमको लगा कि नेविगेशन सिस्टम जब हम अपने पैराशूट्स के लिए बना रहे हैं तो इसको जो है हम ड्रोन सिस्टम में भी शुरू कर सकते हैं। हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनर के साथ में MOU साइन किया जो कि स्टार्टअप है, और अपने आत्मनिर्भर भारत हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत हमने इंडिजिनस सोर्सेज जो कि हमारे हिंदुस्तान में ही जिन चीज़ों की सप्लाई हो सकती है उनको मिला के ये एक लॉजिस्टिक ड्रोन एरावत तैयार किया है। इसके ट्रायल तवांग से लेके कश्मीर तक हिमालय की दुर्गम चोटियों में हुए हैं, जिसमें आर्मी ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और इसको निहायत ही आवश्यक और ज़रूरी बताया है। हमको नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी से 20 ड्रोन का पहला ऑर्डर मिल चुका है, जिसमें से 4 ड्रोन की सप्लाई दी जा चुकी है। बाद बाकी बचे 15 ड्रोन की सप्लाई भी हम अप्रैल फर्स्ट वीक तक पूरा कर देंगे। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी क्वाड कॉप्टर टेक्नोलॉजी है, जिसमें ड्रोन अपनी जगह से स्वतः ही ऊपर उठ जाएगा। इसको VTOL ड्रोन कहते हैं इंटरनेशनल ड्रोन दुनिया में, और इसके लिए हमको किसी रनिंग लेंथ या रनवे की ज़रूरत नहीं होती है। ये किसी भी दुर्गम पहाड़ी में जहाँ भी 2 मीटर बाई 2 मीटर का हमको साफ सुथरा सा इलाका मिलेगा, जगह ज़मीन मिलेगी, वहाँ से भी ये ऑपरेट हो सकता है, कहीं भी लैंड कर सकता है और कहीं भी उड़ के जा सकता है। कई बार ये लैंड नहीं करेगा तो हवा में स्टिल रहेगा और वहाँ से हम अपने पैराशूट्स के द्वारा सामान डिलीवर कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी देशी है, और इसमें मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा। आयुध निर्माणी हजरतपुर के अलावा हिंदुस्तान में अभी तक कोई भी हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन नहीं बना पाया है। ज़्यादातर कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जो ड्रोन बना रही हैं वो सब असेंबल करती हैं पार्ट्स चाइना, ताइवान से या कहीं बाहर से, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज जहां पे 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई है, -20 और -30 टेम्परेचर होता है, तेज़ हवाएं उड़ती हैं, वहाँ पे इनकी मोटर जल जाती है और वो काम नहीं कर पा रहे थे। पर हमने इसमें कुछ नई इंजीनियरिंग लगाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और प्रथम स्वदेशी ड्रोन तैयार किया है जो हाई एल्टीट्यूड्स पे सक्षम है अपनी सभी सेवाएं करने के लिए। ये
20 किलो का और 40 किलो का दो कैटेगरी हम डेवलप कर चुके हैं, जिसको हम एरावत एक और एरावत दो नाम दिए हैं। इसके अलावा हमारा आर्मी का रिक्वायरमेंट आया है, वो चाहते हैं कि हमारे जो जवान पहाड़ियों पे जो घायल हो जाते हैं, जिनको एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड की जा सकती है, उनको भी हम ड्रोन के द्वारा मिलिट्री हॉस्पिटल लाएँ। इस पर हमारा काम चल रहा है और अगले 6 महीने में हम 100 kg का लॉजिस्टिक ड्रोन एरावत 3 बना रहे हैं। क्षमता कितनी है इसकी, कितना वजन उठा सकेगा ये? मिनिमम 100 kg वजन उठा लेगा। तो एक स्टेचर और इस पे एक जवान को हम इसमें लेकर आ सकते हैं। क्या है सर इस ड्रोन की लागत? 65 लाख रुपए है। इसके अलावा ट्रायल अभी हमारा रिसेंटली पिछले महीने बारामूला कश्मीर में हुआ, जहाँ पीर पंजाल की पहाड़ियों में हमने एक जगह से दूसरी जगह तक करीब 10 से 15 किलोमीटर सामान एक चोटी से दूसरी चोटी पर पहुँचा के हमने दिखा दिया कि हमारा ड्रोन किसी भी क्लाइमेट में काम करने में सक्षम है। सर ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे ये लगा कि एक ऐसा ड्रोन बनाना चाहिए जो इस तरीके से काम कर सके, ये कहाँ से आइडिया मिला? जब 1.5 साल पहले हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर के जनरल मैनेजर नियुक्त हुए, तो हमने देखा कि इस समय मिलिट्री का पूरा चेंज हो चुका है, मिलिट्री स्ट्रेटजी का। अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में व रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमने देख लिया कि आजकल ड्रोन सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है। तो हमने तभी निश्चित कर लिया कि हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत में लेके आनी है। हिंदुस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा बॉर्डर कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है, जो हिमालय से घिरा हुआ है। यहाँ पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है, जहाँ हमारे देश और हमारी सेनाएं तैनात हैं। तो वहाँ मुझे लगा कि ड्रोन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री ने हमको बोला कि हम लोग 3 टेंडर कर चुके हैं, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो हिंदुस्तानी हो। अतः अभी तक आर्मी को कोई भी ड्रोन प्रिक्योर नहीं कर पा रही थी। हमने एक चैलेंज को लिया और 7 महीने के अंदर हमने ड्रोन प्रोड्यूस करके दिखाया, जो सभी ट्रायल्स में सक्सेसफुल साबित हुआ है और हमको इसके ऑर्डर भी काफ़ी मिलने लग गए हैं।